आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है, सबसे पहले मैं आप लोगों का तहदील से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर मीडिया के साथ वाबस्ते हैं, जिन्होंने आज तक हमारे मसले को हर हाल में आगे पहुँचाने की बहुत कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की वसादत से जो हमारे केजुअल लेवल का मसला है वो बहुत नीचे तक पहुँच गया। उसके बाद मैं आज आपकी वसादत से अपने तमाम केजुअल लेबर्स जितने जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, खासकर कश्मीर के अंदर, मैं उन तमाम भाइयों को आपकी वसादत से दावत देता हूं कि जो उनके प्रेसिडेंट साहिबान हैं उनका भी यही मैसेज पूछना चाहता हूं कि आज हमारा मसला इंशाअल्लाह ताला बहुत आगे पहुंच गया, मगर हमें एक होने की जरूरत है। इसलिए आज मैं सबों को दावा देता हूं कि वो हमारी यूनियन में आके हमारे साथ शाना बशाना चले, क्योंकि कश्मीर के अंदर अब एक ही हेड है, आफ्टर बिफोर यहां खत्म हो गया। अब हमारा मसला मरकज के फैलू में है, जब हम इंशाल्लाह एक हो जाएंगे तो हमारा मसला हल हो जाएंगे। उसके लिए हमें सबों को एक होने की जरूरत है। उसके बाद कल जो एक सर्कुलर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जारी किया, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि तारीखी पैदाइश सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, मैं उसको मजम्मत करता हूं, क्योंकि उससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर एक कानून था जिसमें यह लिखा है कि जिस कैजुअल लेबर ने अपने डिपार्टमेंट के अंदर 7 साल की सर्विस दिया है, ड्यूटी दिया है, उसको उसी के हिसाब से रेगुलर किया जाएगा, मगर बदकिस्मती की वजह से उस पर कठपुतली इंतजामिया ने आज तक गौर नहीं किया गया। लिहाजा जो कल सर्कुलर निकाला गया उसकी यही वजह होगा कि अब आइंदा जो प्रोग्राम गवर्नमेंट का होगा, इनसे हम कहेंगे कि अब आप ओवरेज हो गई, आप छुट्टी करो, घर में बैठो। मगर ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि SRO 520 2017 में लागू हो गया, जो वो कानून था SRO 64, उसमें ये लिखा है कि जिसने 7 साल की सर्विस किया उसको रेगुलर किया जाएगा, मगर उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया गया। लिहाजा इन्होंने इसकी तरफ तवज्जो दिया कि कब हम इन कैजुअल लेबरों को ड्यूटी से बाहर करेंगे। ना अभी तक उन्होंने हमारा पूरा काम नहीं दिया, मगर पूरा काम लिया। इसके लिए मैं तमाम कैजुअल लेबरों को यही मैसेज पूछना चाहता हूँ कि इनकी बहकावे मत आ जाओ, ये एक धोखादी पॉलिसी है, हम इसके पूरी जोर से मजम्मत करता हूँ। लिहाजा जो प्रोग्राम हमारा होगा कि 1 तारीख जम्मू चलो प्रोग्राम, जहाँ हमारी एक बहुत बड़ी महान रैली होगी, जो हम जहाँ हमारा एक बहुत बड़ा पुरअमन जलसा होगा, उसमें सब कैजुअल लेबरों को इकट्ठा होने की जरूरत है, ताकि हमने इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट तक अपने लेटर पेड के जरिए और तनवीर साहब के जरिए और मेरे हम इकट्ठे उस टाइम थे और पूछाया कि कैजुअल लेबरों का मसला एक बहुत बड़ा मसला है, ये जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा तबका है, इनके साथ ना इंसाफी मत करो, इनके साथ जल्दियां मत करो, इनका मसला हल करो, क्योंकि पिछले जितने गवर्नमेंट आए हमारी जम्मू कश्मीर में ये सब फेल साबित हो चुकी है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कैजुअल लेबरों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। लिहाजा हम कैजुअल लेबर उन तमाम खुदगर्ज अंसरों को और खुदगर्ज अफसरों को ये चेतावनी देता है कि अब हमारे साथ जाति को जो करेगा उसके खिलाफ हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, पुरअमन तहरीक चलाएंगे और अपने मसले को इंशाअल्लाह ताला हल करके ही रहेंगे, क्योंकि अब हमारे सर से ऊपर जुल्म चल गया, हम चुप करके नहीं बैठेंगे। अगर हमारा मसला, अगर हमारा वेजिस, अगर हमारा यूटिलाइजेशन मार्च से कबल शुरू नहीं किया गया,
तो मार्च के बाद हमारा एक ज्वाइंट प्रोग्राम होगा, कोर कमिटी हमारी मीटिंग होगी जम्मू में, ऐसा लाइवल हम शुरू करेंगे कि वो सारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक इनकलाब आएगा और किसी की इलेक्शन मुहिम सही तरीके से नहीं चलेगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे मसले को हल नहीं।